हेलो टू यू ऑल। तो कैसे आप सभी, माइसेल्फ मोनिका यादव, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया होगा, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया होगा और एडमिशन की बाकी की प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुकी होगी। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं जब लिस्ट चेक कर रही थी, जब मैं लिस्ट लिख रही थी और सारी चीज़ें देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे लेकर जानी है रशिया में, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बिना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर रही थी। तो उसी टाइम मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स याद आए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट इट, सो दैट जब आप रशिया जाओ तो रशिया जाने से पहले ही उन सभी चीज़ों का ध्यान रख कर जाओ, उन सभी चीज़ों को लेकर जाओ, सो दैट वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है इस चैनल पर एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट विच इज हम टॉक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आई वुड से यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है टेम्परेचर, मे बी लाइक फ्रॉम नवम्बर टू मार्च वहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, तो उसी हिसाब से हमें चीज़ें देखना है, अपने माइंड को मेकअप करके रखना है। थर्मल्स हमें बहुत ढेर सारे लेके जाने होंगे, लाइक 3-4 थर्मल्स, बॉडी थर्मल्स तो होने ही चाहिए। एंड यहाँ से हमें हैवी भी जैकेट्स लेकर नहीं जानी, विंटर बूट्स वगैरह लेकर नहीं जाने, बिकॉज दैट आर नॉट गोइंग टू वर्क देयर, बिकॉज वहाँ की ठंड अलग होती है और हमारे यहाँ की ठंड अलग होती है, और ऊपर से वो वेट को भी बढ़ाएंगे तो इतना ज़रूरी नहीं है उन्हें लेकर जाना, वो चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिल जाती है तो वी कैन गेट इट देयर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि वहाँ ठंड तो पड़ती है, हमें नॉर्मली जो हमारे स्वेटर्स वगैरह जो घर पे है वो हम लेके जा सकते हैं, बट जो हैवी हैवी जैकेट्स होती हैं वो हमें वहीं लेकर जाके खरीदना है, यहाँ से खरीदने की नीड नहीं है, बिकॉज वो बिना मतलब में वेट बढ़ाएंगे और वहाँ पे वो वर्क भी नहीं करेंगे, तो इट्स बेटर टू परचेज इट फ्रॉम देयर। सो द सेकेंड थिंग इज दैट इट्स लैंग्वेज, कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बोलना इज समथिंग एल्स, समझना इज समथिंग एल्स, लेकिन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंटिन्यू पढ़ाई करना, पेपर लिखना, दैट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सो द यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश ओनली, बिकॉज इंग्लिश समझ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम, तो वो थोड़ी ज़्यादा सही रहेगी। रशियन लैंग्वेज में जाते ही लिखना पढ़ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली वी शुड लर्न इंग्लिश रशियन, इवन आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप अभी से यूट्यूब पर थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दो, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड, सो दैट हमें वहाँ जाकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम कुछ वर्ड से फॉमिलियर हो कि हाँ ये वर्ड का मतलब ये होता है और हमने हमें ये चीज़ पता है, हमेशा हर जगह ट्रांसलेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ यूट्यूब से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, रशियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो इफ इट्स पॉसिबल। एंड द थर्ड थिंग इज दिस कि वहाँ पर 100% अटेंडेंस होती है, तो अगर हम बीमार भी पड़ते हैं, अगर हमारी बाई चांस छुट्टी भी होती है, तो हमें नेक्स्ट 2-3 डेज में वो लेक्चर्स को कवर करना पड़ता है, अदरवाइज वो हमें पेपर में बैठने नहीं देते, ऐसा कुछ मेरे सुनने में आया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस यूटेंसिल्स, मेस, खाना, ऑब्वियसली वो रशियन है, रशिया है, वो वहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा होगा और जो वो स्पाइसेस वगैरह नहीं खाते, उबली हुई चीज़ें खाते हैं, एंड दैट्स नॉट अ टेस्ट, हमें वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लाइक उबली हुई चीज़ें तो बीमार लोग खाते हैं ना, तो प्लीज़ अपने यहाँ से भर भर के मसाले लेकर जाए, मतलब एक पूरा ऐसा कंपार्टमेंट बना लो आप अपने बात का जिसमें आप सिर्फ सिर्फ मसाले ही लेकर जाओ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जैसा भी खाना खाते हो, अगर स्पाइसी पसंद है तो मिर्च मसाले वगैरह सारी चीज़ें ढंग से लेकर जाओ। मैं तो बहुत सारे लेके जाने वाले, बिकॉज यार आई लव स्पाइसी फूड, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ कुकर नहीं मिलता, प्रेशर कुकर, तो ऐसा करना कि 2-3 लीटर का, 3 लीटर, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं तो फिर वो शेयरिंग में हो जाता है ना, तो 3 लीटर का कुकर लेके जाना चाहिए, थोड़ा ढंग का खाना बने उसमें, ढेर सारा खाना बने। यूटेंसिल्स वगैरह मुझे मेरे सुनने में आए कि वो वहाँ पे महंगे मिलते हैं, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो इट्स बेटर कि अपने 2-3 प्लेट्स, 2-3 चम्मच है, ये सारी चीज़ आप वहीं यहीं से लेकर जाओ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं अभी कुछ ही टाइम पे अपनी पैकिंग वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेकर जाने वाली हूँ मैं, बिकॉज मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, मेडिसिन की अलग, स्टेशनरी की अलग, कपड़ों की अलग, यूटेंसिल्स की अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इनिशियल कुछ डेज में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल बी अपलोडिंग सून कि कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे पैक करना है, सो दैट आपके
वो गिवन बजट के अंदर आप ढेर सारी चीजें लेके जाए। डू शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसी और सारी वीडियो क्रिएट करने में। एंड डू वेट फॉर न्यू पैकिंग वीडियो, वो बहुत ही जल्दी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ सो दैट यू पीपल विल गेट एन आइडिया। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहूँगी सो दैट इससे आपको पता चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें जरूरी है, बट विन एक फुल वीडियो का अलग ही मजा होता है। आई विल अपलोड यू अपलोड दैट वीडियो सो सून सो डू नॉट वरी एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना सो दैट जब भी आपको पता जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ सो दैट यू पीपल विल गेट नोटिफाई एंड यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वाइल पैकिंग फॉर रशिया फॉर MBBS। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर टिल दैट टाइम, बाय।